चलिए अब आते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास जो बेस मटेरियल है वो जेल है जो सपोर्टिंग मीडिया का काम करेगा, और डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स के सेग्रीगेशन में हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, एनालिटिकल पर्पस में ही काम में आता है क्योंकि ये जनरली हम सेग्रीगेशन या हम किसी चीज़ को जैसे डीएनए, आरएनए या कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है उसको सेग्रीगेट करने, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। पर ये कभी कभी किस काम में और आता है, प्रिपरेटिव टेक्निक में भी काम में आता है टू प्योरीफाई मॉलिक्यूल्स प्रायर टू द यूज़ फॉर अदर मेथड्स। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर हमें सपोज ये डीएनए है या हमें जैसे डीएनए का एक वो होता है ना डीएनए प्रिंटिंग का या डीएनए सिक्वेंसिंग का या जैसे क्लोनिंग के टाइम पे जहाँ पे एक्चुअली में डीएनए के जो फ्रेगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे हमारा डीएनए, अब हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि जिसको एसिड में डाला फिर उसको वॉश वॉश किया फिर उसको बेस में डाला, तो ये क्या कहता है कि उसको पूरे पोर्शन को प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं उसको सेग्रीगेट कर देते हैं। ठीक है बच्चे, एक मिनट रुकना। यहाँ से हमने क्या करा था कि भाई ये डीएनए सिक्वेंसिंग, इम्यूनो ब्लॉटिंग, मतलब इस तरीके के प्रोसेस में ये प्रिपरेटिव टेक्निक के तौर पे भी यूज़ में आ सकती है। अब ये कहता है कि भाई इसका जो प्रिंसिपल है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, तो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो कि जनरेट होती है अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, तो इसका प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहेगा। आपके दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, दोनों के बीच में आपने क्या किया, उन दोनों का आपने सर्किट कंप्लीट किया और उनके बीच में जो वोल्टेज डेवलप होगा वो आपका क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ पुल करेगा या एनोड की तरफ उनको भेजेगा। तो ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन या आपके अमीनो एसिड है जो उसकी पुलिंग है वो डिपेंड करेगी उसके ऊपर ओवरऑल क्या चार्ज है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब ये दो तरीके से इसको लगाता है, वर्टिकल जेल एपरेटस और हॉरिजॉन्टल जेल एपरेटस। वर्टिकल यानी सीधा खड़ा हुआ, बिल्कुल जैसे पेपर खड़ा होता है, ठीक है, या जैसे सामने बोर्ड लगा होता है, ये प्रोटीन्स का सेपरेशन करेगा। और एसटीएस वाले जो है हमारे पास उसको हम क्या करेंगे, सपोर्टिंग मीडिया इसमें यूज़ करेंगे। इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल जेल एपरेटस में इम्यून इलेक्ट्रोफोरेसिस के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं या आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। इम्यून इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी आपके जैसे जब होता क्या है, जैसे इम्यूनोग्लोबिन जो आपके प्रोटीन्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, जो आपके बॉडी में जनरली जैसे आपके WBC जब जो प्रोटीन्स लिबरेट करती है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फीवर, तो उसमें वो जो आपके ग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं उन ग्लोबिन प्रोटीन्स के इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये आपकी हॉरिजॉन्टल जेल एपरेटस काम में आता है। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, आइसो इलेक्ट्रिक यानी सेम चार्ज वाला, ठीक है। अब आगे लास्ट इसमें है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। यानी जनरली अगर आप एक चीज़ भूल भी जाओ तो इसमें ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको पता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस हम डीएनए, आरएनए और या फिर आपके प्रोटीन्स के लिए ही यूज़ करते हैं। तो अगर आप यहाँ भी ऐसा लिख दोगे कि भाई इन द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स, यहाँ भी आप लिख दोगे सेपरेशन ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड्स, तो अपनी तीन चीज़ें कॉमन कर लो, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के कितने टाइप्स हैं, टाइप्स यानी आपका डिपेंड करेगा कि कौन सी जेल हम यूज़ कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। पहला आता है आपका अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगारोस यानी अगारोस जो मैंने आपको बताया था जो कि प्लांट से ऑब्टेन होता है, सॉरी सी वीड से ऑब्टेन होता है, अगर अगर करके, तो अगर अगर को वो यूज़ करता है, उसको बेस बनाता है और बेस बना के दो इलेक्ट्रोड उसमें लगा देता है और फिर वहाँ से सीधा इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका EMF सप्लाई करके स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में फिजिकल एपरेटस आएगा, तो फिजिकल एपरेटस आपका जो है वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप अभी मैं सारा दिखाऊंगी। पहला आता है आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक एपरेटस। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक एपरेटस जैसा हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में किया था, जो आपका एक बेस मटेरियल था, यानी जो आपके दो कंटेनर थे, ठीक है, अब वो एक ही कंटेनर यानी वो फ्लैट बेड हॉरिजॉन्टल एपरेटस
रह जाएगा, ठीक है, फ्लैट बेड यानी बिल्कुल ज़मीन पे रखा हुआ, ठीक है। दिस एपरेटस कंसिस्ट ऑफ टू बफर चैम्बर्स, बफर चैम्बर इसमें दो रहेंगे, और विक, विक यानी जो मैंने आपको बताई थी ना, जिसको रुई की जो बाटी जिसको बोलते हैं, है ना, और विक पोर्ड फ्रॉम द एगरोस एंड अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल बेड ऑफ एगरोस अपॉन विच स्मॉल वेल्स ऑफ सैंपल लोडिंग आर लोकेटेड। तो सेम टू सेम एपरेटस वही जेल का बिल्कुल वैसा ही है कि जेल है, उसमें छोटे छोटे आपने कॉम्ब करके उसमें छोटे छोटे गड्ढे बना दिए, वेल्स बना दिए, और साइड में आपने क्या करा, अपने सैंपल को रखने के लिए वेल्स बना दिए। पावर सप्लाई 5 वोल्ट्स का चाहिए, ठीक है। और ट्रांस एल्यूमिनेटर, ये एक नया वर्ड है, ट्रांस एल्यूमिनेटर जो हमने पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में किया था, वो हमने क्या यूज़ किया था, हमने कोई हाइलाइटिंग एजेंट यूज़ किया था, ठीक है, उसमें आपका ब्रोमोफिनॉल ब्लू था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे आप अल्ट्रा वायलेट लाइट बॉक्स यूज़ कर सकते हो, जैसा क्रोमेटोग्राफी में करते हैं कि जब आप उसमें अल्ट्रा वायलेट चैम्बर में अपने सैंपल को रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एपिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग हो जाएगी, जो कि डीएनए को स्टेन करेगी, और आपको क्या होगा, ये हल्का ब्राउनिश कलर का, क्योंकि ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन ब्राउन कलर की होती है, तो आपको ब्राउनिश कलर का फ्रेगमेंट्स जैसे दिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक अब मैं आपको इसका ये एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका इस तरीके का चैम्बर होगा, ठीक है। अब इस चैम्बर के आगे आपके पास क्या हो जाएगा, ये डीएनए सैंपल्स हैं जो आपने इसमें छोटे छोटे कॉम्ब जैसे वेल्स बना रखे हैं, साइड में वेल्स आपके सैंपल लगाने के लिए होंगे, ठीक है। फिर जब ये कलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक इसको स्ट्रिप जैसे निकाल लेंगे, इसको काट लेंगे पीस को, ठीक है। उस पीस को काट के फिर हम क्या करेंगे, ये आपका जो पोर्शन है, ये तो आपका मूवमेंट है, पहले मूवमेंट देख लेते हैं कि ये जो वेल थी, यहाँ से धीरे धीरे करके आपका सैंपल चलेगा दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, और ये क्या होगा, ये आपके फ्रेगमेंट्स फॉर्म में गड्ढों में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। फिर जो भारी होगा वो पहले रह जाएगा, जिसकी मोबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, हल्का होगा, वो आगे की तरफ आ जाएगा। फिर आता है जेल के बाद में, आपने उस फ्रेगमेंट को कट कर लिया, उस फ्रेगमेंट को आपने अल्ट्रावायलेट चैम्बर में रखा, इसमें इथिलीडीन डाइब्रोम इथिलीडीन ब्रोमाइड का आपने क्या किया, इसमें धुआं छोड़ा, ठीक है। तो वो धुआं या वो स्मोक क्या करेगा, आपके इस पूरे चैम्बर को, जैसे वो स्मोक जैसे उसमें भर जाती है, तो ये जहाँ जहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे, ये उस स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब तो क्या, उस स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और ब्राउन कलर की सी अपियरेंस आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको कहाँ से रुकी है बता रही, चलिए यहाँ से वापस करा देती। सपोर्टिंग मीडिया है, सपोर्टिंग मीडिया आपका अगारोस है, अगारोस में आपका सीवीड से हम ऑब्टेन करते हैं, शुगर आपका डी और एल गैलेक्टोज से इसको ऑब्टेन करते हैं, अगारोस मेल्ट हो जाता है 90 डिग्री पे, ठीक है, और जेल बन जाता है अप्रॉक्स 40 डिग्री पे। तो ऑलमोस्ट आजकल रूम टेम्परेचर 40 डिग्री की हम रूम टेम्परेचर आजकल माना जाने लगा है ना। फिर ये जो आपका जलेशन है, इसमें क्या होता है, मैश, मैश यानी जैसे चलनी होती है, ठीक है, जैसे चलनी होती है ना, जैसे चाय वाली, तो उस चलनी के जैसे इसमें क्या होती है, एक नेटवर्क जैसा बना हुआ होता है। तो ये नेटवर्क में छोटे छोटे आपके पोर्स प्रेजेंट है, खाली जगह प्रेजेंट है, जिसका डायमीटर 50 से 200 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। इन्हीं पोर्स में ये देखो इसने दिया भी है, इस तरीके का आपका जेल का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब हायर कंसंट्रेशन ऑफ अगरोस अगर हम डाल देंगे तो आपके जो स्मॉल डीएनए छोटे वाले जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको भी हम यहाँ पे सेग्रीगेट कर सकते हैं। लो अगरोस कंसंट्रेशन है तो आपके जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले डीएनए हैं, क्योंकि उनकी मोबिलिटी वैसे भी कम होती है हाई मॉलिक्यूलर वेट वालों की, तो वो धीरे धीरे करके माइग्रेट करेंगे और अच्छे से वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। हल्के वाले क्या होते हैं, कई बार कॉर्नर तक चले जाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी अपनी जो जेल की कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज कर देते हैं, यानी थोड़ा सा मटीरियल और टाइट कर देते हैं। बफर आता है, बफर हमने किया था ट्रिस एसीटेट EDTA, यानी आपके ट्रिस एसीटेट EDTA क्या है, इथिलीन डायमिन टेट्रा एसिटिक एसिड, और उसमें भी वो क्या कर रहा है, एसीटेट वाला कंपोनेंट 3 टाइम्स और कर रहा है, यानी ट्रिस एसीटेट, ठीक है। बफर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा तो उस टाइम पे जब आपके आयंस बनेंगे, वो आयंस क्या करते हैं, पीएच चेंज कर देते हैं, और पीएच चेंज होते ही क्या हो जाएगा, आपका सैंपल का जो
प्रोसेसिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। या फिर वो कहता है कि ट्रिस बोरेट EDTA भी यूज़ कर सकते हैं, सोडियम बोरेट बफर भी यूज़ करा जा सकता है। ये आपको कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेगमेंट्स का साइज़ याद रखने के लिए, आप सिर्फ नाम लिख देना इसमें। इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर कौन से हैं, ये कह रहा है कि ये जो बफर है इट इज़ यूज टू बेथ द जेल प्लेस्ड, बेथ द जेल प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टैंक, बेथ यानी उसको नहला नहीं रहा है ना, ऐसा नहीं हो रहा कि भैया बात अब उसने काम कर दिया तो चलो इसको साफ़ कर लेते हैं। ये क्या करेगा, जब आपकी जेल जो है वो टाइम के साथ में, क्योंकि आप ओपन सिस्टम में काम करते हो तो धीरे धीरे टाइम के साथ में क्या करेगा, तो उसको ड्राई कर देगा। तो ये वाला जो वर्ड है BATHE जो वर्ड है, इसका ये मतलब है कि भाई वो उसको जो लिक्विड स्टेट है उस लिक्विड स्टेट को वो मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है। फिर बफर की लोडिंग कैसे होती है, दिस कंटेन्स अ डेंस मीडियम जैसे ग्लिसरॉल है टू अलाउ द सैंपल टू फॉल इनटू द सैंपल वेल्स एंड वन और टू ट्रैकिंग डाइस विच माइग्रेट इन द जेल एंड अलाउ विजुअल मॉनिटरिंग ऑफ द एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी अब आपको क्या करना है कि जब आप बफर इसमें लोड होगा तो वो बफर कैसे जा रहा है, जो जैसे ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल एक डेंसर काफ़ी थिक विस्कस मटेरियल होता है, ठीक है। तो वो क्या कहता है, वो सैंपल को जो सैंपल वेल्स है आपने उसमें इसको भर दिया किसके साथ में, इस बफर को इस ग्लिसरॉल में मिक्स करके, ठीक है। अब क्योंकि आपका जो बफर है ये प्योर लिक्विड है, तो प्योर लिक्विड आप डाल दोगे तो वो क्या करेगा, वो आपकी जो जेल है उस जेल का जो कंसंट्रेशन है उसको डिस्टर्ब करेगा। तो हम ग्लिसरॉल में मिक्स करके इस बफर को उसके जो छोटे छोटे गड्ढे हमने बनाए थे कॉम से, उन गड्ढों में इसको डाल देते हैं, ठीक है। फिर आता है डाई, कौन सा डाई यूज़ करें, डाई यानी जब आपका सैंपल हो जाएगा उसको आपको विजुलाइज करना है, जो ट्रांस इल्यूमिनेटर हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, जो कि फ्लोरेसेंट डाई है, या फिर आप अल्ट्रावायलेट बीम, जो भी आपका ट्रांस जो भी इसमें मतलब अल्ट्रावायलेट चैम्बर में भी आप इसको रख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। द डाई इज एडेड टू द जेल ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन ओनली, यानी वो क्या कह रहा है, जो डाई हम इसमें डाल रहे हैं वो आप उसी टाइम पे, यानी ये वाली जो डाई है इथिडियम ब्रोमाइड, आप ग्लिसरॉल के साथ मिक्स करके बफर के साथ मिक्स करके साथ में ही गड्ढों में डाल दो, क्योंकि जब इसके ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस स्ट्रेंथ जब होगा, जब आप EMF सप्लाई करोगे तो सब कुछ ए जेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जरूर माइग्रेट करता है, तो वो पूरे में फैल जाएगी, ठीक है। फिर इसको अल्ट्रावायलेट चैम्बर में रखो और वहाँ से वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। फ्लोरेसेंट डाई प्रोसीजर, प्रोसीजर अब इसमें प्रोसीजर हम यहाँ से पढ़ेंगे नहीं, प्रोसीजर हम देखते हैं ताकि हमारे सब हमें इसको कर दें क्योंकि पीछे चला जाएगा इसकी, ठीक है। हाँ जी देखो, फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी विच इज़ अ टेक्निक बाय विच यू कैन सेपरेट द प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर साइज एंड समटाइम्स द मॉलिक्यूलर वेट। ये हमारे लिए क्लियर है, ठीक है। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी कहाँ से आ गया, मुझे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डालना, सॉरी। Electrophoresis is the standard laboratory procedure for separating DNA by size for visualization and purification. अब देखो इसको समझ लो पहले, इसमें देखो ये इसका चैम्बर है, ठीक है, ये अंदर इसने ऑलरेडी जेल भर रखी है, इसमें छोटे छोटे इसने गैप्स बना रखे हैं, ठीक है। अभी इन वेल्स में क्या कर रही है, ये अपना सैंपल फिल कर रही है, ठीक है। Electrophoresis uses an electrical field to move the negatively charged DNA through an agarose gel matrix. देखो ये इसमें ये पूरा यहाँ पे दिखा रहा है, ये आपका पूरा ऊपर से व्यू है जिसमें अभी ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे ये इसको कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट करने के बाद अभी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है इसकी, ठीक। For a positive electrode, shorter DNA fragments called bands migrate through the gel more quickly than longer ones. You can determine the approximate length of a DNA fragment by running it on an agarose gel alongside a DNA ladder, which is a collection of DNA fragments of known lengths. In this video, we'll show you how to prepare an agarose gel using powdered agarose and buffer. Then, and देखो यहाँ से ये start करेगा। इसमें एक ये वाला जो portion था, जहाँ पे जैसे इसने connect किया था। It uses an electrical field to move the negatively charged DNA through an agarose gel. देखो यहाँ से इसने अपना sample well बनाई थी।
वो वेल यहाँ से जैसे इसने कनेक्टिविटी करी, ये आप देखो देख लो, ये यहाँ से ये आयंस कह रहे ये माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आगे यहाँ पर लेकर आ रही हूँ बच्चों में, ये तो इसने यहाँ तक की तो प्रिपरेशन की बताई है, यहाँ तक आ जाते हैं इसके, यहाँ तक आ गई हूँ मैं। अगर उस शेल का हमने पहले भी किया था कि भाई सैंपल को गर्म करना है, गर्म करके और फिर वो अगर उस शेल को हम गर्म करते हैं, गर्म करके हम पूरे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से करते हैं इसको। Gel box with TBE 2. Always fill the gel box with the same buffer that you use to prepare the gel. To melt the agarose, microwave the solution for 1 to 3 minutes until it is completely dissolved. And देखो ये agarose को इसने microwave में रखा है, ठीक है? तो solution में जिसने इसने गर्म पानी में इसको डाला या जिस पानी में इसको तैयार कर लिया gel को, उसने heating ना करने की बजाय इसने क्या किया, इसको microwave में रख दिया। Try not to overboil the solution, as some buffer will evaporate and will alter the final percentage of the agarose in the gel. Microwave the gel in pulses, swirling the flask occasionally. And देखो agarose का आपका melting temperature क्या है 90 degree, ठीक है? तो melting temperature पे इसने इसको कर लिया, अभी इसको room temperature पे, अभी पहले थोड़ा और करेगी, एक बार इसने इसको हिला के ताकि नीचे गुठले ना जमे, मतलब है ना aggregation ना हो, और फिर इसको एक बार वापस हीट करके। As the solution heats up. Be careful when handling the flask, as the solution will be hot. Also, be careful when swirling the flask, as eruptive boiling can occur. After microwaving the agarose solution, wait until it cools down to 55 degrees Celsius. If the flask is cool enough for you to touch with just your gloved hand, then it's ready to pour. To reduce time, you can add ethidium bromide directly to the gel solution with the final concentration. देखो क्या ऐड कर रही है, साथ में एथिडियम ब्रोमाइड डायरेक्टली जेल में ही ऐड कर रही है, ठीक है। बिटवीन 0.2 एंड 0.5 माइक्रोग्राम्स पर मिलीलीटर। We're adding 5 microliters of our lab stock to 150 milliliters of agarose gel. Remember, ethidium bromide is a known mutagen. Wear a lab coat, eye protection, and gloves when working with this chemical. Once the gel has cooled, place a comb corresponding to the number of needed wells into the gel tray and slowly pour the gel. And देखो ये इस तरीके से तैयार कर रहा है, यहाँ पे हमने कहा था ना कॉम लगा के करता है, ठीक है। तो ये कॉम से जैसे जब ये जेल इसमें डालेगी तो जहाँ जहाँ पे कॉम के ये प्रेजेंट है वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उसी तरीके की वेल्स बन जाएंगी। Make sure the tray is properly sealed around the outside so the gel doesn't pour out. Use a pipette tip to push away any bubbles in the solution. Let the newly poured gel sit at room temperature for up to 1 hour until completely solid, and then fill the gel electrophoresis chamber with the same buffer you used to prepare the. And देखो यहाँ पे इसने क्या किया, अपनी पूरी जेल रेडी कर दी, अब ये क्या करिए बफर टैंक क्रिएट करिए, टैंक क्यों, ताकि यहाँ पे क्या होगा जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी पीएच के साथ में यहाँ से यहाँ तक दोनों तरफ फिल करिए ताकि इसका पीएच बैलेंस रहे। Gel. Pour until the gel is covered and make sure that the buffer enters the wells. Remember to load the DNA ladder next to your samples and write down what sample went into what well using the ladder as a reference. If you don't, your results may be very difficult to interpret. After the samples are loaded into the wells of the gel, connect the power source to the gel box and turn on the power. Remember, black is negative and red is positive. Always run to red. Most gels are run between 80 to 150 volts. Running at a higher voltage will make the bands migrate faster, but can also. And देखो कितने पे काम कर रहा है ये 80 से 100 volts. ये कह रहा है कि अगर उससे ज़्यादा आप करोगे, तो आपकी जो speed है, जो bands हैं, वो बहुत जल्दी-जल्दी migrate करेंगे. Cause the gel to melt if the voltage is too high. Keep running the gel until the visible dye is 75% of the way down, which indicates you have good separation of your bands. This usually takes between 1 to 1.5 hours, depending on the size of your gel and the percentage of agarose that you used. Once your gel has finished. And देखो, इसने तो बहुत स्पीड में ये बताया है, पर इसको लग कितना रहा है? करीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है, ठीक है? मतलब धीरे-धीरे ही आयंस माइग्रेट करते हैं, ऐसा नहीं कि ये तो फिर आपको वीडियो शॉर्टकट करने के लिए इन्होंने उसको थोड़ा सा स्पीड दिखाई है। Finished running. Turn off the power and disconnect the electrodes from the power source. Visualize your bands using ultraviolet light. Be careful when handling the gel, as it is fragile and can easily break.
There are a few ways to increase the resolution or crispness of your DNA bands. You can use a gel comb that has wider or thinner teeth. You can run the gel for a longer period of time at lower voltage, or you can load less DNA into the well. We usually load between 100 to 150 nanograms of DNA in each well and run the gel at 100 volts for 1.5 hours to get the best looking bands for most of our samples. Gel electrophoresis is one of the fastest and least expensive ways to confirm the size of your DNA product. By using our tips and tricks, you will be able to get a great looking gel with clear. इसने अपने अल्ट्रावायलेट चैम्बर में जो इसको मिला है क्योंकि ऑलरेडी इसने इथिडियम ब्रोमाइड डाल दी थी, बाद में इसने क्या किया, सिर्फ इसको यूवी चैम्बर में, क्योंकि आपकी इथिडियम डाइब्रोमाइड आपकी ऑलरेडी क्या थी, फ्लोरेसेंट डाई थी, तो वो क्या करेगा, यूवी के प्रेजेंस में आपको फ्लोरेसेंस यहाँ पे बैंड्स दे देगा, और ये बैंड्स आप बाद में चाहते इतने सैंपल में से कट कर करके आप इसको लगा सकते हैं। अभी आपका किलो बेसिस, देखो इसने बैंड्स पे क्या लिखा है, किलो बेसिस, किलो बेसिस यानी इसने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से जो आपका क्योंकि ये किसका कर रहा है, डीएनए का करता है, ठीक है। डीएनए या आरएनए किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने होते हैं, आपके नाइट्रोजिनस बेसिस से, है ना। तो वो बेसिस का जो वेट है उस वेट के हिसाब से इन किलोज उसने क्या किया है, इसको यहाँ पे सेग्रीगेट किया, ठीक है बच्चों। और ये देखो जितना हल्का है उसका बैंड ज़्यादा छोड़ा है, जो कम है उसका मतलब जो थोड़ा भारी है वो पहले ही रुक गया है, जो हल्का है वो बिल्कुल लास्ट तक आता चला गया है। उसके बैंड्स भी देखो काफ़ी थिक सा बना। आई बच्चों समझ में?